नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ टारोंगा सिटी। जी हाँ, तो आज हम सब लोग घूमेंगे टारोंगा की गलियों में और सिटी को देखेंगे कि किस तरह की सिटी है और कैसी वाइब्स आती हैं यहाँ पे। और आज की वीडियो में मेरा साथ देंगे मेरे एक दोस्त दीपक कुमार पासी। मिलिए पासी साहब, कैसे हैं? सब ठीक, बढ़िया हो? सब ठीक। कैसा लग रहा है सिटी में आके? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। एक्साइटेड हो? या एक्साइटेड एंड बट अब इस टाइम पे शॉप्स रेस्टोरेंट सब बंद है, बस वो कर रहे हैं। चलिए फिलहाल ट्रैवलिंग कर रहे हैं दिल से। हां तो चलिए फिलहाल चलते हैं और देखते हैं आगे क्या कुछ है। आप कभी पहले आए हो यहाँ पे? सर मैं यहाँ पहले आया हूँ बट मैंने कभी ज़्यादा मतलब मैंने वॉक करा नहीं यहाँ पे कभी स्ट्रीट पे। अच्छा। बट हाँ मैं देखा हुआ, ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है तोरंगा, बे ऑफ प्लेंटी जो है। या सो आई लाइक सो मच बिकॉज ऑफ द एरिया के हिसाब से ये सिटी बहुत बड़ी है। मतलब आई मीन एरिया वाइज कंपेरिजन करें रोटर हो गए तो अच्छी है और बड़ी भी है, वाइब्रेंट ज़्यादा है। मैं ये जो जगह है ना पूरा यहाँ पे इस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस। अच्छा। क्योंकि ऐसे ही बना हुआ है बट इस टाइप का उन्होंने डेवलपमेंट वहाँ पे उस टाइप पे है नहीं। आने से ये यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं क्योंकि ये जो मेन स्ट्रीट है यहाँ की तो एक चीज़ जो बहुत अच्छी है यहाँ की जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई हुई है रोड पे। हाँ, तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं। सही है, आपको बोलने की आई मीन लोगों को कहीं पे लिखने की जरूरत भी नहीं है कि यू हैव टू स्टॉप योर कार देयर। उनको पता है वो क्या कर रहे हैं और वो गाड़ी रुक जाती है अपने आप, रोकते हैं वो गाड़ी। उनको पता है लोग क्या है यहाँ का। इतना तो इतना केयरिंग और इतना अच्छा लो यहाँ पे लोग। इवन अगर आप बाइसाइकिल में भी हो तो गाड़ियों का यहाँ पे ये है कि वो आपको पास करने का पास करते हैं, मतलब कि यू कैन ट्रैवल, यू कैन गो। नहीं, इसको रोड एथिक्स बोलते हैं। मैं जब से न्यूजीलैंड में हूँ तब से मैंने बहुत रेयर हॉर्न सुने। हॉर्न भी तब बजाते हैं लोग जब किसी को गाली देनी हो। बिल्कुल। ट्रैफिक क्लियर करने के लिए कभी हॉर्न का इस्तेमाल नहीं होता यहाँ पे। ये सब रोड एथिक्स में आते हैं, नो डाउट। और आप देखोगे यहाँ पे इस स्ट्रीट पे कितनी अच्छी मतलब रेस्टोरेंट्स, एक फैंसी रेस्टोरेंट बने हुए यहाँ पे। कोई इटालियन है, कोई मैक्सिकन है, इंडियन है, चाइनीज, थाईलैंड, सब आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो ध्यान रखें, बाइसिकल आ रही है तो यू हैव टू काट देना उसको। और ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह के होते हैं यहाँ पे बार्स। आज विंसडे नाइट है, अगर यही फ्राइडे नाइट होती तो ये फुली पैक्ड होते। और दोस्तों ये जो आप सामने स्ट्रीट देख पा रहे हैं, इट्स वन ऑफ द फेमस स्ट्रीट ऑफ टारोंगा। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर तरह का रेस्टोरेंट मिल जाएगा। दोस्तों ये है टारोंगा सिटी सेंटर और फिलहाल जो है स्कूल की छुट्टी हो गई है, इसलिए आप देख सकते हो कि बच्चे हैं यहाँ पर, बसेस की वेट कर रहे हैं। इस बिल्डिंग को अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि लाइक कोई पॉलिटिशियन, जैसे इंडिया में होता है पॉलिटिशियन का किसी बंगलो है। तो ये पोस्ट ऑफिस है पब्लिक, पब्लिक के लिए इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है, तो इट इज गुड है ना, लाइक सेम पॉलिटिशियन बंगलो टाइप किसी की हवेली हो। दोस्तों टारोंगा सिटी न्यूजीलैंड के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में से एक है
और ये बहुत ही फेमस है इसके फाइनेस्ट बीचेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है बहुत ही साफ है इसकी बीचेस का, सैंडी बीचेस हैं और लोग यहाँ पे स्विमिंग के लिए आते हैं, सर्फिंग के लिए आते हैं। और तोरंगा के साथ ही एक लगता हुआ टाउन है जिसको माउंट मंगनुई के नाम से जानते हैं, उसका जो बीच है वो तो वन ऑफ द बेस्ट बीच इन न्यूजीलैंड। तोरंगा सिटी जो है न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड एक सिटी है, और यहाँ पे न्यूजीलैंड का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट भी है जहाँ से बहुत ही बड़ी मात्रा में गुड्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। स्पेशली यहाँ से वुड बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है फॉर डिफरेंट कंट्रीज। एंड तोरंगा इज ऑल्सो फेमस फॉर यू नो इसकी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, और जॉर्जियन स्टाइल होम भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और तोरंगा सिटी की जो करंट पॉपुलेशन है वो 1,30,000 से ऊपर है। तो अगर दोस्तों आपको कभी टाइम मिले तोरंगा विजिट करने के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार तो यहाँ पे आप घूमने के लिए ज़रूर आएँ। और यहाँ पे आप बहुत सारी फ्री एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है माउंट मंगनुई। वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत माउंट है जिसको अगर आप हाइक करना पसंद करते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस माउंट के ऊपर ज़रूर जाइए, और वहाँ से जो आपको व्यू देखने को मिलेगा वो प्राइसलेस होगा। उसके अलावा भी यहाँ पे एक मैक्लेरिन फॉल्स पार्क है, वो भी फ्री है। और उसके अलावा आप यहाँ पे सॉल्ट वाटर हॉट पूल को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, वो चीप ही है। और चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि तोरंगा इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टाउन इन न्यूजीलैंड, तो यहाँ पे जो घरों की कीमतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हाउसिंग मार्केट यहाँ पे बहुत ही बड़ी है। और तोरंगा के आसपास बहुत सारे सब डिविजन्स देखने को भी मिलेंगे आपको, जहाँ पे नए नए घर बनते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ तोरंगा का सी साइड। ये यहाँ से हम क्रॉस होंगे, ये रेलवे लाइन है, यहाँ पे ट्रेन भी चलती है, बट मेरे को लगता नहीं वो पैसेंजर ट्रेन है। यहाँ पे सिर्फ गुड्स को इधर से उधर ले जाया जाता है, स्पेशली गुड्स। पासी साहब, इस जगह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओ सर, ये आई डोंट नो, मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो ये मैंने देखा नहीं यहाँ पे ना। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स या इट्स रियली अमेजिंग, वेरी पीसफुल जगह। हाँ, वैसे अच्छा, मैं रोहतक में निकला हूँ कई बार, पर इतना फ्री टाइम मेरे पास कभी था नहीं कि मैं सिटी को एक्सप्लोर कर सकूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम भी एक्सप्लोर करते हैं और साथ में हमारे व्यूअर्स को भी जी सर सिटी को दिखाते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो मैं जब अगर मैं फर्स्ट टाइम, मेरे को याद है जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया था, दैट आई डिड नॉट वॉक हियर ऑन द स्ट्रीट, बट मैं बाय सी आई मीन बाय बोट, एक शिप था, तो क्योंकि स्कूल टाइम पे एक होता था वो एक्सकर्शन के लिए जाते हैं, एक्सकर्शन मींस बाहर आउटिंग के लिए लेके गए थे कॉलेज, तो शिप के थ्रू हमने यहाँ पे एक्सप्लोर करा हुआ है, तो काफी अच्छा था। माउंट वहाँ पे आप देखोगे आप सीधा, तो वहाँ माउंट है, माउंट मंगनुई जगह है, तो वहाँ पे हम वहाँ गए और बहुत अच्छे, बहुत सुंदर है, तो इट्स अमेजिंग यार।
तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं फिनिश, और मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और देखते रहिए ट्रैवलिंग दिल से। थैंक यू वेरी मच।